हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी केयर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे कल शेयर किया था कि आपके एग्जाम तक हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट बोर्ड के लिए मैं अपलोड करूंगा, तो आज मैं मैथ्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 5 to 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में हम लोग चैप्टर का पूरा डिटेल समझेंगे, चैप्टर की पूरी थ्योरी समझेंगे। अगर आपको चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको बस अगले 15 मिनट में चैप्टर का पूरा नॉलेज होने वाला है, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड सीबीएसई में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको भी डील करेंगे। ठीक है, तो सब लोग नोट्स लेकर तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में इजी चैप्टर चूज किए हैं, या इजी नहीं बोलूंगा, इजी तो ऑफ कोर्स कोई चैप्टर नहीं होगा अगर ऐसा कहा जाए तो। इसमें स्कोर करना थोड़ा आसान है क्योंकि फॉर्मूले से आंसर आते हैं। जिन चैप्टर्स में फॉर्मूले के अलावा भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है उसको कंपेटिवली हम लोग एंड में करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में सबसे पहली चीज हमें सीखनी होती है कि सीरीज क्या होता है, या फिर कहते हैं सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, देखिए सीक्वेंस का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर को आप अरेंज कर लीजिए एक सेट में तो उसको बोलेंगे कि वो एक सीक्वेंस है। अब वो जो सीक्वेंस होता है वो एक जनरल पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहीं पर लिखवाया कि 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 ऐसे बढ़ रहा है, ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है बताइए? ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। मैंने आपसे लिखवाया 2 4 6 8 10, आगे बढ़ जाइए, ये इवन नंबर्स का सेट है। मैं आपसे लिखवाऊ 1 3 5, आगे बढ़ जाइए, ये जितने भी आप देख रहे हो ये किसी ना किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इन सबको हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एपी क्या होता है? एपी उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम हो, बस एक नैरो अंतर दोनों में। किसी भी फॉर्मूले पे बेस्ड है तो सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो एपी बोलते हैं। छोटा एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखिए सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करने पर जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस 1 दिख रहा होगा, यहां पर कॉमन डिफरेंस 1 दिख रहा होगा, यहां 1 दिख रहा होगा, इस पूरे सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस 1 है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन यहां पर बंद हो गया। अब आगे देखिए इस पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है चैप्टर में, जो 1 मार्क्स का उसका चांस है आने का। मैं पूरा मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका मार्क्स से कैसे रिलेशन है वो भी आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन का आता है, मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा an, an को बोलते हैं nth टर्म, ध्यान रखेंगे an को क्या बोलते हैं? nth टर्म, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म और जनरल टर्म। जैसे मैंने लिखा an इक्वल्स टू 2n+3, कोई भी सीक्वेंस है जिसमें nth टर्म क्या है, जनरल टर्म क्या है, 2n+3। और मैं आपसे पूछूं फाइंड a6 and a8, a6 और a8 ऑडी के कार का मॉडल का नाम भी है, a6 एंड a8, तो बताइए a6 कैसे निकालेंगे? जहां पर n है वहां पर 6 लिखा है ना, तो यहां जहां n है वहां 6 लिख दो, सिंपल। तो a6 क्या हो जाएगा, अगर मैं a6 निकालता हूं इट विल बी 2 into 6+3, और ये 12+3 क्या हो गया, 15। अगर मैं a8 निकालता हूं तो जहां n है वहां 8 डाल देंगे क्योंकि यहां n के बदले 8 था, क्या हो जाएगा ये 2 into 8+3, दैट इज 19। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आपको किसी भी सीक्वेंस में वो टर्म्स पूछेंगे कि टर्म्स आप बता के बताइए कौन कौन से हैं, तो बना लिया आपके, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको कोई सीक्वेंस दे देंगे और बोलेंगे प्रूव दैट कि वो एपी है। कोई भी सीक्वेंस मिल जाएगा आपको और कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि वो एपी है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगर एक सीक्वेंस है an, विच इज इसी को उठाते हैं,
2n+3। आपसे कह रहा है कि प्रूफ दैट दिस इज एपी, दिस इज एपी, प्रूफ कीजिए एपी है। रूल समझिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है थोड़ा समझा मैं आपको। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला था हमने, दूसरे टर्म में से पहले वाले को माइनस किया था, तीसरे में से दूसरे को माइनस किया था, चौथे टर्म में से तीसरे को माइनस किया था। एग्जांपल और देख लो, 10, 20, 30, 40, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे टर्म में से पहले को माइनस कर दो, तीसरे टर्म में से दूसरे को माइनस कर दो। यानी कि अगर मैं डी निकालना चाहता हूं तो मुझे ए एन वाले टर्म में से ए एन माइनस वन वाले को माइनस करना। मतलब देखो, तीसरे में से 3-1 दूसरे वाले को, पांचवे में से 5-1 चौथे वाले को माइनस करना होता है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस का नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। रटना नहीं है, सीखना है कैसे होता है। अब देखो, आपको डी निकालना है। एपी कब होगा, जब डी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। अगर डी कॉन्स्टेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, एपी है। तो डी निकालने के लिए हमें ए एन चाहिए और फिर हमें ए एन माइनस वन चाहिए, जो उस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि हम ए एन माइनस वन फाइंड कर लें। तो हमने क्या किया, ए एन माइनस वन फाइंड करना शुरू किया। बहुत आसान है, यहां ध्यान दो, ए एन का फॉर्मूला ये होता है। तो ए एन माइनस वन क्या होगा, एन की जगह क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन, तो यहां भी एन की जगह क्या लिखोगे, एन माइनस वन। तो ये टू के बदले टू, एन के बदले एन माइनस वन प्लस थ्री, ये हो गया टू इंटू एन, टू एन, टू इंटू टू माइनस टू प्लस थ्री, टू एन प्लस वन, ये क्या हो गया, ये हमारा ए एन माइनस वन आ गया। अब डी का फॉर्मूला पता है अपने को, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन में से एक पहले वाला माइनस कर देंगे। तो ए एन कितना है क्वेश्चन में, ए एन है 2n+3, इसमें से आप ए एन माइनस वन यानी 2n+1 को माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये इट इज 2n+3 माइनस 2n-1, 2n 2n कैंसिल, 3-1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस 2 आया, जो कि एक कांस्टेंट है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस था वो एपी होगा। ये आसान सा प्रूफ है, दो नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बारे में मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए एन क्या लिखा हुआ है, 2n+3, इसमें n का डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 होता है ना। अब बताओ d का डिग्री क्या है, d में 2 के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और 1 मतलब क्या लिखते हैं उसको, n की पावर 0। रूल समझो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, nth टर्म का जो डिग्री होता है उससे एक कम डिग्री किसका होता है, d का होता है। रूल समझिए, अगर यहां पर मैं आपसे कहता कि nth टर्म 2n² है, तो d जो भी आएगा उसमें n की डिग्री क्या होगी, 1, मतलब वो n में होगा, उसमें n होगा। अगर an है 2n³+3, तो d में n² मिलेगा आपको। अगर n है 2n⁸, d में आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये रूल है इसका समझाने का। और ट्रिक देखिए, n का जो कोफिशियंट होता है ना, वही कॉमन डिफरेंस होता है। n का कोफिशियंट क्या है, 2, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। अब देखो आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है। मैंने आपसे पूछा कोई भी सीक्वेंस है 7/8n+2, पहली बात एपी है या नहीं, सुनिएगा। चूंकि an में n का डिग्री क्या है, 1, तो d में डिग्री क्या आएगा, 0, मतलब कॉन्स्टेंट आने वाला है। तो हमने एक नियम लिख दिया, क्या नियम लिख दिया, कि अगर an लीनियर एक्सप्रेशन है, 1 डिग्री वाला है, तो पक्का वो सीक्वेंस एपी को प्रोड्यूस करेगा। वो हमने फाइंड कर लिया कि एपी है। आप बताइए उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, बहुत आसान है, n के साथ क्या है, 7/8, ये जो भी एपी होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7/8 होगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे पहले फॉर्मूले से, यानी कि d इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन से हमें सीखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पर और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारा जो अगला टर्म, जो अगला फॉर्मूला है, वो है
nth term of the AP, किसी भी AP का nth term क्या होता है उसको सीखते हैं। nth term का एक और नाम क्या है, general term। तो देखिए nth term of the AP का formula होता है a plus n minus 1 into d, a plus n minus n minus 1 into d। यहां पर a क्या होता है, a is first term, n होता है क्या nth term, जिस term से आपकी बात होनी है, जो आपको बोलेगा कि मुझे eighth term दो, tenth term दो, वो n होता है। और d क्या होता है, common difference। ठीक है, इसमें कुछ और extensions हैं, वो क्या है, nth term from last, nth term from end उसको बोलते हैं हम लोग। nth term from end के दो formula होते हैं, पहला formula होता है a plus m minus n d। कब यूज करोगे बता देता हूं, यहां पर m क्या होता है, टोटल टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम लास्ट। और d तो आप जानते हो, ये आपको पता है, छोड़ दो, ये पहला फॉर्मूला हो गया। nth टर्म फ्रॉम एंड का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है l माइनस n माइनस 1 d। ये इसमें l क्या होता है, लास्ट टर्म, और n और d आप जानते हो। तो अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, अगर आपको टोटल टर्म्स गिवन है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और स्टार्टिंग से टर्म्स निकालना हो दिस फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, और आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, वो है सेलेक्शन ऑफ टर्म्स, सेलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर कोई एपी है उसमें आपको टर्म सेलेक्ट करने हैं, सपोज तीन टर्म, दो तो आप कभी नहीं कर सकते, दो में आप पता ही नहीं कर पाओगे एपी है कि नहीं। मैं पूछूं वन और टू एपी में है क्या, बच्चे बोलते हैं यस सर, पूछ पहले भाई कि अगला टर्म कौन सा है, क्या पता मैं अगला टर्म, मेरे मन में 1.5 लाख हो, तो कैसे आप निकालोगे। तो है ना, हमेशा तीन टर्म तो होना चाहिए। तो तीन टर्म चूज कैसे करोगे समझ लो, अगर आपको मैं ऐसा हेडिंग लिख लूं नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज आपको तीन टर्म चूज करने हो तो वो टर्म्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल टर्म को ए मानोगे जो बीच में होगा, उससे एक पहले आ जाओ तो ए माइनस डी, उसके एक आगे आ जाओ ए प्लस डी, यही वो तीन टर्म्स होंगे जो आप चूज करोगे। इसके बाद इसमें आगे आप देखोगे कि कॉमन डिफरेंस कितने का रखा है मैंने इसमें, डी का कॉमन डिफरेंस रखा है। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं ना तो हम कॉमन डिफरेंस डी का रखते हैं। आगे देखो, अगर मुझे चार टर्म चूज करने हो तो मैं कैसे चूज करूंगा, देखिए तो इवन टर्म्स में ए नहीं होता, सीधे ए माइनस डी होता है, फिर ए प्लस डी होता है। बताइए दोनों में कितने का अंतर है जी, ए माइनस डी प्लस डी में 2d का अंतर है। आप कुछ समझ सकते हो कि ये a से d पीछे और वो a से d आगे, तो 2d का अंतर हो गया। इसके बाद हम 2d का अंतर रखेंगे 3d, पीछे आ जाओ a माइनस 3d, कितने का डिफरेंस रखा 2d का। ये सेट आपको रटा होना चाहिए, मैं एक और बताता हूं फिफ्थ, बाकी मैं ऑलरेडी पूछ लूंगा। पांच टर्म चूज करने हैं, वापस से ट्रैक पे आ जाओ, बीच वाला a होगा, एक पहले उठा लो a माइनस डी, एक और पहले उठा लो a माइनस टू डी, आगे चलो a प्लस डी, और आगे चलो a प्लस टू डी, डिफरेंस कितने का d का। सबको पता चल चुका है कि सिक्स टर्म, छह टर्म चूज करने को जो आज तक कभी नहीं आया तो क्या चूज करेंगे, छह टर्म चूज करना है तो सबसे पहले क्या रखोगे आप, पहले क्या रखोगे a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, ए माइनस फाइव डी। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको कितने का रखना है, 2d का रखना है, इवन के लिए, ऑड के लिए d का रखना है। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन करेंगे इस पर, हम आ रहे हैं अभी, पहले थ्योरी सीख लो। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस पर टॉपिक आता है, वो है अरिथमेटिक मीन का, है ना, वो भी देख लो। इलेवेंथ क्लास में तो अरिथमेटिक मीन पे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, उसमें इंसर्शन ऑफ टर्म्स भी आता है कि आपको दो एपी के बीच में अलग अलग टर्म्स भी इंसर्ट करने हैं, बट अभी हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें बस एक अरिथमेटिक मीन का बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो वो आप देख लो। जैसे मान लो कि तीन नंबर्स हैं ए बी और सी, और ये तीनों किसमें हैं, एपी में है।
तो अगर ए बी और सी एपी में है तो आपको अभी तक एक बात तो पता चल ही गया होगा कि अगर ये एपी में होगा तो बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस देगा और सी माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस देगा और दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो बी को यहां रखो, उस बी को ले आओ, तो बी प्लस बी क्या होता है? मैंने क्लास में पूछा बी प्लस बी क्या होता है, बच्चे बोलते हैं बी बी। कोई बात नहीं, उनके मन में होगा ऐसा, उसको बोला होगा। चलिए तो ये कितना हो गया, बी प्लस बी क्या होता है, टू बी होता है, तो ए प्लस सी हो गया। बताइए जी बी क्या होगा, तो बी होगा ए प्लस सी अपॉन टू। इसी बी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अगर तीन नंबर्स अगर एपी में है तो उसमें जो मिडिल वाला नंबर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ये एक और चीज आप सीख लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सम टू एन टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है इसमें सब क्वांटिटी क्या क्या है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखो एक चीज, इसमें 2a को अगर मैंने a प्लस ए लिख दिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस वन डी। और a प्लस एन माइनस वन डी क्या होता है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म। तो मैं इसको लिखना चाहता हूं n बाय टू सीधे a और डायरेक्ट l। ये तब यूज करेंगे दूसरा फॉर्मूला जब आपको लास्ट टर्म मालूम हो, अदरवाइज ये यूज नहीं कर सकते। एक और चीज हो गई थी, तो इसका इतना थ्योरी है। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें कुछ बातें सिखा देता हूं। जैसे कि हमने nth टर्म को क्या लिखा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अभी मैं इसी को लास्ट टर्म भी लिख रहा हूं, तो होता है nth टर्म लास्ट टर्म सब यही है। चलिए अब इसमें एक बात और देख लो, वो बात क्या है, पहले मैं आपको सिखा देता हूं, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। एक बात बताओ, सपोज मैंने लिखा वन टू थ्री फोर, इसमें मुझे पता करना है कि ए फोर कितना है। ए फोर समझते हो ना क्या होता है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म यहां साफ साफ फोर दिख रहा है हमें, लेकिन मुझे पता करना है कि ए फोर क्या होता है। तो A4 पता करने के लिए पता मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टार्टिंग से चार टर्म तक का सम निकाला। S4 क्या होता है, सम टू फोर टर्म्स, और वो मुझे यहां पे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर मेरा मन किया, फ्री बैठे थे, चलो S3 निकाल लेते हैं, मतलब क्या होता है, सम टू थ्री टर्म्स। तो हमने तीन दो पांच और एक छह भी कर लिया। फिर मेरे मन में क्या आया, अरे जो A4 है शायद वो S4 माइनस S3 तो नहीं, फोर्थ टर्म जो है वो सम टू फोर्थ टर्म माइनस सम टू थर्ड टर्म तो नहीं है। हमने देखा करके और सरप्राइज्ड हम रह गए कि अरे ये तो सेम है, तो सेम तो ठीक है, लेकिन हमने फॉर्मूला क्या बनाया समझिएगा, ए एन अगर आपको निकालना हो सम टू एन टर्म्स में से, सम से एन में से एक छोटा वाला टर्म माइनस कर दो, आपको ऐसे एन मिल जाए। इसका पैरेलल फॉर्मूला याद है आपको, पीछे पढ़ा था हमने, डी निकालना हो तो ए एन में से ए एन माइनस वन को माइनस करो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप सोच नहीं सकते। एक नंबर और दो नंबर का लगभग क्वेश्चन इसी से बनता है, याद याद रखें। ठीक है, तो आपको एंथ टर्म निकालना हो सम से, यह फॉर्मूला हेल्प करेगा। आपको डी निकालना हो एंथ टर्म से, यह फॉर्मूला याद रखेगा। इससे कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको समझा देता हूं तुरंत, देख लीजिए। पहले थ्योरी पूरा आप नोट कर लेना, इसके अलावा एपी में और कोई भी थ्योरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही अलग आते हैं। अगर आपने बोर्ड के पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो बहुत ही यूनिक आता है। और मैंने आपसे कल कहा भी था कि वही सॉल्व करना जो एग्जाम में आया हुआ है, अपने मन से कुछ भी सॉल्व मत करना। सपोज मैंने लिखा कि सम टू एन टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 5 है, आपको an निकालने को कहूंगा। चूंकि आप फॉर्मूला जानते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हमने पहले d निकालने में कर लिया था,
तो पक्का an जो होगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो an एक कम किसमें आएगा, लीनियर में आएगा, ये तो आप मानते हो, ठीक है ना। और अगर an लीनियर में आया है तो d जो है वो कांस्टेंट आएगा। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, है ना, थोड़ा फास्ट रहेंगे। एस एन किसमें था, स्क्वायर में, तो an किसमें आया, लीनियर में, और d किसमें आया, कांस्टेंट आया। यानी क्या समझिए आप इससे, कि अगर किसी भी एपी का सम टू एन टर्म्स का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है तो पक्का वो एपी देगा आपको। सवाल चेंज करता हूं मैं, अगर सम टू एन टर्म्स क्यूब में होता तो एन क्या आता, क्वाड्रेटिक आता, और डी क्या आता, अरे कम तो कर लो, क्या होता है, लीनियर। और डी जैसे ही लीनियर आया मतलब उसमें एन का कोई टर्म फंसा हुआ है, वो कॉन्स्टेंट है नहीं, तो एपी नहीं हो पाए। चलिए एक और चीज बता देता हूं, वो भी देख लो। एस एन अगर आपको गिवेन हो और वहां से कोई आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एस एन गिवेन हो और आपसे कोई पूछे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका डबल कर दो, डायरेक्ट सिक्स आंसर होगा। चेक करते हैं एक बार, देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, देख लेते हैं। सबसे पहले आप एस एन से ए एन निकाल लीजिए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। तो एस एन क्या होगा, थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस, इसको अलग ही करो, जहां जहां एन है वहां वहां एन माइनस वन डालना पड़ेगा, तो थ्री रखा, ये एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया और ये फाइव हो गया, ठीक है जी, थ्री एन माइनस वन का होल स्क्वायर और फाइव अलग हो गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देखते हैं, थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस, ये क्या हो गया, थ्री, पहले इसको सॉल्व कर लो बाद में स्क्वायर करना, यानी कि थ्री का भी स्क्वायर कर दिया, ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फाइव। और एक मैं निवेदन करता हूं आपसे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टू ए बी भी होता है, उसको इग्नोर ना कर दीजिए। मैं कई बार पेपर देखते हैं कि यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखते हैं, टू ए बी को पता नहीं छोड़ देते हैं कहीं पर, ऐसा मत किया करो यार, है ना। तो और आगे देखो, ये हो गया थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये थ्री इंटू एन स्क्वायर, और थ्री इंटू वन थ्री हो गया, और थ्री इंटू माइनस टू एन सिक्स हो गया, और फाइव अलग से यहाँ हो गया। आगे देख लेते हैं, तो होगा थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव, और इसको आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एन स्क्वायर, फाइव और थ्री एट, तो बाहर निकल के माइनस का एट और ये प्लस का सिक्स हो जाएगा, शायद मैंने सही लिखा है, इससे ये कट गया, आंसर क्या है देख लो, ये हो जाएगा सिक्स एन, सिक्स एन और फाइव में से एट गया तो माइनस थ्री। देखिए आपका ए एन क्या आ गया, सिक्स है माइनस थ्री, अगर आपका ए एन सिक्स है माइनस थ्री आ गया है तो आप मुझे बताइए कि आपका डी जो है वो क्या आने वाला है। मैंने ट्रिक सिखा दिया था, डी कितना होगा, सिक्स होगा। तो ट्रिक देखिए, एस एन में एन स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, डी होता है। तो ये ओवरऑल हमारे ये क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितना आपका इच्छा हो करो। उसमें सबसे मेन चीज क्या होता है ना, कि हमें किसी भी एपी में कितने टर्म्स हैं ये पता करना आना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत यूज होता है। मैं आपको सिखाता हूं कि कोई भी एपी आपको दिया होगा उसमें कितने टर्म्स हैं ये कैसे निकाल सकते हैं, उसका सम में बहुत काम आता है। जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज क्वेश्चन है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, बढ़ते जाओ थ्री वन टू, ये एक एपी है। सवाल कुछ भी पूछ सकता हूं मैं इसमें, इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, इस एपी का सम ऑफ टर्म्स क्या है, कुछ भी। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इस एपी में टर्म्स कितने, और टर्म्स कितने हैं वो निकालने के लिए रूल्स लिख लो कि किसी एपी में कितने टर्म्स हैं, उसका नियम क्या है। उसका नियम है कि लास्ट टर्म को ए एन लिखेंगे, किताब में मिलेगा नहीं बता देता हूं मैं, लास्ट टर्म को ए एन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या है, 312, आपने ए एन को लास्ट टर्म क्या कर दिया, 312। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 312। आपको ए पता है कितना, थ्री प्लस एन आपको निकालना है, एन माइनस वन, डी कितना है थ्री, 312 उधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये, एन माइनस वन इंटू थ्री इक्वल्स टू 309, तीन गया तो कितना हो जाएगा 103, वन गया तो चार, तीन 104 टर्म्स हैं इसके अंदर।
और अगर 104 टर्म्स के अंदर हैं, आपको सम निकालना है, सीधे क्या करो, SN इक्वल्स टू N बाय 2, N बाय 2 क्या लिखोगे, 104 अपॉन 2, फिर क्या होता है 2A, यानी 2A क्या हो गया 6, प्लस N माइनस 1 कितना हो गया 104 माइनस 1 103 इंटू D क्या हो गया 3, सॉल्व कर लो आपका SN आ जाएगा। कोई पूछे nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैसे निकालो, देखो जल्दी से, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसा कर लो, आपको बोला जाए इसमें कि टेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड से निकालने के लिए क्या किया आपने, आपको एल पता है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज एल माइनस एन माइनस वन डी, आंसर आपका आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी, एम कितना है टोटल टर्म्स 104, एन क्या लिखोगे, जितने टर्म्स आपको लास्ट से चाहिए, डी क्या लिखोगे, डी लिखोगे 3, और ए क्या लिखोगे, ए लिखोगे 3, सॉल्व कर लो, दोनों में आंसर सेम है। इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि nth टर्म n है, nth टर्म m है, जो आपको आरडी शर्मा की सर किताब में मिलेगा, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। थ्योरी इतनी है, ये थ्योरी पढ़ के आप तैयार रहिए, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें आरडी शर्मा के, जिसको हम सीबीएसई क्वेश्चन कह सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, बट आपको ये सारे फॉर्मूले, ये कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम लोग कल कनेक्ट होते हैं।